हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सुमैया खान व्लॉग्स। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एकदम तड़केदार, जायकेदार, वन ऑफ द फेमस रेस्टोरेंट का खाना का व्लॉग। आज मैं आपको पूरा फूड व्लॉग टूर कराने वाली हूँ और वो जगह है दिल्ली और हरियाणा की सबसे ज़्यादा फेमस और पसंदीदा जगह। तो इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं बात कहाँ कर रही हूँ। तो मैं बात कर रही हूँ अमरिक सुखदेव ढाबा, जो कि मुरथल में है। मुरथल हरियाणा का एक स्टेट है। तो आज मैं आपको पूरा टूर कराने वाली हूँ अमरिक सुखदेव ढाबे का, जिसमें मैं यहाँ आपको सब कुछ विजिट भी कराऊंगी, इसके साथ यहाँ का टेस्ट भी बताऊंगी और साथ में कुछ आप इसकी हिस्ट्री भी जानकर खुश हो जाएंगी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो अमरिक सुखदेव ढाबा जो कि ये है, ये फोटो आपने काफ़ी ज़्यादा देखा होगा। अमरिक सुखदेव बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है और मैं आज इसमें पहली बार नहीं आ रही हूँ, मैं इसमें कई बार आ चुकी हूँ और ये बहुत ही दूर है दिल्ली से, ऐसा लगता है हमें। एक्चुअली यहाँ पर लोग सिर्फ पराठे खाने आते हैं। तो अमरिक सुखदेव ये ढाबा है जो कि बहुत बड़ा ढाबा है, जो 24 घंटे ओपन रहता है। तो चलिए आज मैं अमरिक सुखदेव की सैर कराती हूँ और अंदर चलते हैं। तो अमरिक सुखदेव ढाबा आने की वजह से मैं थोड़ा सूट वूट पहन के आई हूँ ताकि थोड़ा सा बेस्ट फीलिंग आए। यहाँ पे बहुत पंजाबी लोग रहते हैं, उसके अलावा और भी बहुत लोग आते हैं यहाँ पे इनके जायके को टेस्ट करने के लिए। तो आज हम भी आ चुके हैं। और ये है यहाँ का अमरिक सुखदेव का मेन्यू। इस मेन्यू में आपको सब कुछ मिलेगा। अगर मैं यहाँ के खाने की बात करूँ तो यहाँ के फेमस हैं पराठे, और इसके अलावा पराठे के साथ ये बहुत प्यारा सा बटर देते हैं और घर का बने अचार देते हैं, और बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी। जैसे आपको कुछ चाइनीज चाहिए, कुछ तंदूरी चाहिए, आपको यहाँ सब कुछ मिलेगा, मीठा स्वीट सब कुछ मिलने वाला है। ये यहाँ का मेन्यू है। अगर आपको मेन्यू चेक करना है तो आप वीडियो को स्टॉप करके मेन्यू चेक कर सकते हो। तो गाइज, अमरिक सुखदेव में इतनी ज़्यादा भीड़ है इस टाइम के मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। यहाँ पर लोग खड़े रहते हैं सीट्स के लिए ताकि एक बंदा उठे और हमें सीट मिले। तो मैंने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर कर दी हैं, जैसे कि प्याज पराठा, आलू पराठा और पनीर की सब्ज़ी, बहुत सारी चीज़ें मैंने ऐड कर दी और मैं वेट कर रही हूँ। अगर मैं आपको इस पूरे ढाबे की मंथली इनकम बताऊँ तो आप लोग दंग रह जाओगे। जी हाँ, अगर मैं इस ढाबे के थोड़ा इतिहास के बारे में बताऊं तो सरदार प्रकाश सिंह नाम के एक नॉर्मल से व्यक्ति थे जिन्होंने ये नॉर्मल सा ढाबा खोला था ताकि लोग यहाँ पे आए और जो ट्रक से लोग आते जाते हैं वो यहाँ पे नाश्ता ब्रेकफास्ट वगैरह कर सकें। लेकिन आज जो 1956 में खुला था ये ढाबा, आज उसका इतना बड़ा बड़ा रूप हो चुका है, आप समझ सकते हो कितना फेमस है। यहाँ का पर मंथ का रिवेन्यू 3 से 4 करोड़ रुपए है, मतलब एक महीने की इनकम 3 से 4 करोड़ रुपए है। और क्योंकि हम आए हैं ग्रेटर नोएडा से तो हमें आने में कितना टाइम लगा है, 1 घंटा 50 मिनट, मतलब 110 किलोमीटर हम सफ़र कर चुके हैं। सफ़र वफ़र करते रहेंगे, आ जाते हैं अपने खाने पे। तो ये है यम्मी कढ़ाई पनीर,
जो कि बड़े ही टेस्टी है। साथ में है बूंदी का रायता, एकदम थिक है, मैं आपको दिखा देती हूँ भाई साहब। और ये है आलू प्याज पराठा, और एक है आलू का पराठा, और कितना सारा बटर है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो कितना सारा बटर है, ये स्पेशल देसी घी, इसे हम अपनी लैंग्वेज में नैनी भी बोलते हैं। तो चलिए ऊपर वाले का नाम लेके करते हैं खाने को स्टार्ट। यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, पंजाबी, देसी, सारे खाने मिलेंगे। तो ये हम मैं निकाल लेती हूँ थोड़ी सब्जी और थोड़ा रायता, और फिर मैं गरम गरम तंदूरी पराठे जो कि एकदम गरम गरम आते हैं उन्हें खाते हैं। अगर मैं टाइमिंग की बात बताऊँ तो 20 मिनट में आपका ऑर्डर आपके टेबल पर आ जाएगा। अभी यहाँ पे आपको सीट देखने को मिल रही है, लेकिन मैं जब जब आई हूँ मुझे कभी सीट नहीं मिली, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मुझे सीट मिली है। और पूरा मुरथल तो ढाबे के नाम से जाना ही जाता है, लेकिन अमृत सुखदेव यहाँ की शान बढ़ाता है। तो ये है मेरी थाली फाइनली, और अब मैं इसको करती हूँ स्टार्ट। कुछ कम ज़्यादा होगा तो वो भी डाल लेंगे। ओ रियली यस, बिल्कुल अमेजिंग है, एकदम यमी, मैं बता नहीं सकती। एक तो मुझे भूख लग रही थी, ऊपर से जो पराठा है ना वो इसके कॉर्नर्स एजेस जो हैं वो बड़े क्रंची हैं, अंदर से एकदम भरपूर है। इसमें आलू प्याज जिसका भी पनीर का आप जो भी खा रहे हो एकदम भरपूर मात्रा में फिलिंग है, और अगर आप सब्जी ले रहे हो साथ में तो और मज़ा आएगा। और इसके साथ रायता ने तो मज़ा ही खड़ा कर दिया, क्योंकि मैं पहले लस्सी लेने वाली थी तो मैंने सोचा क्यों ना रायता ले लेती हूँ। और आप भीड़ देख ही रहे हो, मैं इसकी सब्जी की बता देती हूँ, सब्जी कैसी है दिखने में। तो ये आप देख सकते हो बिल्कुल प्योर है, और ये मेरी थाली हो गई है फिनिश। और ये है यहाँ का इस टाइम का एम्बियंस, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छी जगह है, बिल्कुल सेफ है, नीट एंड क्लीन है। और जैसे ही आप बाहर आओगे तो आपको इस तरीके की बाहर बेंचेस मिलेगी, यहाँ पे सेल्फ सर्विस है, मतलब आपको अंदर से ऑर्डर लेके आना होगा बाहर खाने के लिए। और यहाँ की रील व्लॉग शॉर्ट्स तो आपने यहाँ देखे ही होंगे कितने ज़्यादा हैं। ये है अमरीक सुखदेव। इसके अलावा अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ जा सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग डेस्टिनेशन है, जाना भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, और बहुत सारे खाने के साथ आप बहुत मज़ा कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे स्कूल्स के बच्चे भी थे। इसके अलावा भी आपको यहाँ पे चॉकलेट्स, टॉयज, गिफ्ट, आइसक्रीम और भी बाहर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। सो गाइज, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आज मैं मुरथल की बहुत सारी सैर करूंगी, तो आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। बाय बाय, टेक केयर।